दिल्ली में कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जैसे कि देश में भी बाकी हिस्सों में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में लगभग 24,000 केसेस आए हैं। ये रिपोर्ट थोड़ी देर में अभी जारी होगी, जो डेली बुलेटिन जारी होता है। पिछले 24 घंटे में 24,000 केसेस आए हैं, उसके पिछले 24 घंटे में आए थे 19,500 केस। तो आप देख सकते हो कि एक ही दिन के अंदर केसेस 19,500 से बढ़ के 24,000 हो गए हैं। पॉजिटिविटी रेट 24% से ज़्यादा हो गया है। तो स्थिति काफ़ी गंभीर है, चिंताजनक है। अब दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगी है, रेमडेसिविर की कमी होने लगी है। आज मैंने काफ़ी लंबी एक एक चीज़ के ऊपर मीटिंग ली थी सभी ऑफिसर्स के साथ। तो जो हमारे 3-4 दिन पहले हमारी असेसमेंट थी, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इस वजह से इन सारी चीज़ों की कमी भी, जो हमें लगता था कुछ दिन पहले तक की स्थिति, ये चीज़ें उचित मात्रा में मौजूद हैं। आज ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर की और टॉसिलीज़ुमैब, इन तीनों की कमी नज़र आई। किसी भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की एक सीमाएं हैं। दिल्ली के अंदर भी सीमित बेड्स हैं, दिल्ली के अंदर भी सीमित आईसीयू के बेड्स हैं। जिस तेज़ी के साथ कोरोना बढ़ रहा है, जाहिर है कि एक सीमा के बाहर आके हर मेडिकल, हर हेल्थ सिस्टम की एक सीमा होती है। तो बेड्स बहुत तेज़ी के साथ, जो ऑक्सीजन बेड्स हैं, जो आईसीयू बेड्स हैं, बहुत तेज़ी के साथ ख़त्म होते जा रहे हैं। लेकिन आपकी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि बेड्स को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। पिछले कुछ दिनों में हमने कई कदम उठाए, जिसकी वजह से बेड्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया, और अभी तक दिल्ली में बेड्स की कमी नहीं होने दी गई। अभी भी आने वाले कुछ दिनों के अंदर हमने बेड्स को बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रहे हैं, और अगले कुछ दिनों के अंदर ही, 2-4 दिनों के अंदर ही, मैं उम्मीद करता हूँ कि बड़े स्केल के ऊपर बेड्स हम बढ़ा पाएंगे। कोशिश करेंगे कि अगर कोई मरीज़ को बेड चाहिए, सीरियस मरीज़ हो, उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसको। हमारा इस वक्त सबसे मेन मकसद है, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि मरीज़ को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा बेड्स क्रिएट कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको ऑक्सीजन बेड्स बनाया जाए, ताकि एक लेवल के सीरियस मरीजों को उसके ऊपर इलाज किया जा सके। तो यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में और कॉमनवेल्थ गेम्स में लगभग 1,300 ऑक्सीजन बेड्स का इंतज़ाम किया जा रहा है। राधा स्वामी सत्संग ब्यास में शुरू में अभी 2,500 बेड्स का इंतज़ाम कर रहे हैं, और उसके तुरंत बाद फिर 2,500 बेड्स का और इंतज़ाम करेंगे। जो अभी कुछ दिन पहले मैं जब आपके सम्मुख आया था, मैंने बताया था कि किस तरह से होटल्स को, बैंक्वेट हॉल्स को हॉस्पिटल्स के साथ अटैच किया जा रहा है। तो लगभग 2,100 बेड्स इस तरह से होटल्स और बैंक्वेट हॉल्स को हॉस्पिटल्स के साथ अटैच करके हम 2,100 ऑक्सीजन बेड्स बनाने में सफल हुए हैं, जो कि कल या परसों में ऐप में भी आ जाएगा। और वो हॉस्पिटल, वो ओवरऑल हॉस्पिटल की निगरानी में होंगे, जो भी बैंक्वेट हॉल में और होटल में उनका इलाज हो रहा होगा, तो वो हॉस्पिटल की निगरानी में होंगे, तो एक तरह से हॉस्पिटल का हिस्सा होंगे। तो इस तरह से लगभग अगले 2-4 दिन के अंदर मैं उम्मीद करता हूँ कि 6,000 बेड्स और हम ऐड कर, इस पूरे सिस्टम के अंदर ऐड करने में सक्षम होंगे। लेकिन जिस तेज़ी के साथ कोरोना बढ़ रहा है, अभी किसी को नहीं पता इसकी पीक कहाँ पे आएगी। जैसे मैंने बताया, परसों 19,500 थे, कल के केसेस पिछले 24 घंटे के 24,000 आए हैं। कल कितने होंगे, फिर परसों कितने होंगे, और फिर उसके बाद कितने होंगे, किसी को नहीं कह सकते। इसीलिए हमें
अपनी तैयारियां और बढ़ चढ़ के करनी पड़ेंगी। हम इस वक्त ज़रा सी भी आलस नहीं कर सकते, ज़रा सी भी सांस नहीं ले सकते। इस वक्त हमें 24 घंटे मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा इंतजाम आगे करने पड़ेंगे, ताकि अगर कोरोना उतना हो जाता है तो हम एक कदम कोरोना से आगे होने चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डॉक्टर हर्षवर्धन साहब से फ़ोन पर बात की और उनसे मैंने निवेदन किया, ये तीनों चीज़ें मैंने उनसे मांगी, तीनों चारों चीज़ें। एक तो मैंने उनसे निवेदन किया कि दिल्ली के अंदर बेड्स की बड़ी मात्रा में कमी हो रही है। नवंबर के अंदर जब कोरोना आया था तो 4100 बेड केंद्र सरकार ने हमें मुहैया कराए थे, इस वक्त केवल 1800 बेड दिए हैं, जबकि ये वाली वेव पिछले वाली वेव से 3 गुना ज़्यादा घातक। अभी तक उसमें 8500 केस पीक पे आए थे, हम 24000 पे पहुंच चुके हैं। तो उनसे मैंने निवेदन किया, केंद्र सरकार के लगभग 10000 बेड्स हैं दिल्ली में, इसमें से कम 50% बेड्स कोरोना के लिए रिजर्व किए जाएं। जैसे अगर मैं बताऊं, जो मेन ऑल इंडिया मेडिकल है उसमें 1162 बेड्स हैं टोटल, उसमें से केवल 23 बेड्स कोरोना के लिए रिजर्व किए गए हैं। सफदरजंग हॉस्पिटल है उसमें 2900 बेड्स हैं टोटल, उसमें से केवल 204 बेड्स कोरोना के लिए रिजर्व किए गए। तो मेरा एक उनसे निवेदन था कि कम से कम 50% बेड्स कोरोना के लिए अगर रिजर्व किए जाएं तो एकदम से 3-4 हज़ार बेड्स एक्स्ट्रा कोरोना के मरीजों को मिल सकते हैं, और उसी तरह से आईसीयू के अंदर भी बेड्स दिए जाएं। दूसरा, उनको मैंने बताया कि किस तरह से दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, अगर ऑक्सीजन की तुरंत सप्लाई दिल्ली में की जाए, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आज मुझे बताया गया है कि ज़्यादा कमी हो रही है, तो अगर ऑक्सीजन की सप्लाई तुरंत करवा दी जाए। और तीसरा, मैंने उनको बताया कि रेमडेसिविर और टॉसिलिजुमैब की काफ़ी किल्लत हो रही है, अगर वो मुहैया कराई जा सके। हमें केंद्र सरकार से हमेशा कोरोना की लड़ाई के दौरान मदद मिली है, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी केंद्र सरकार दिल्ली में हमें पूरी मदद मिलेगी। ये भी सामने ऐसी खबरें आई हैं कि ये कुछ दवाइयाँ जिनकी शॉर्टेज हो रही है, इसकी शायद कभी ब्लैक मार्केटिंग ना रही हो, होर्डिंग ना रही हो, तो आज अफसरों की मीटिंग में सख्त निर्देश दिए गए हैं कि उनके ऊपर रेड मार के और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए अगर कोई भी इन दवाइयों की होर्डिंग या ब्लैक मार्केटिंग करते हुए पाया जाता है। तो एक शिकायत ये आ रही है, और ये सही भी है, कि टेस्ट्स में अचानक दिल्ली के अंदर, दिल्ली देश में अकेला शहर था जहाँ 24 घंटे में टेस्ट के रिजल्ट आया करते थे, पिछले कुछ दिनों से 3-3, 4-4 दिन लग रहे हैं टेस्ट्स में, ये शिकायतें आ रही हैं। और उसका कारण ये है कि कुछ लैब्स ने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा सैंपल उठाने चालू कर दिए हैं। उनकी कैपेसिटी मान लीजिए 5000 की है दिन की, वो 10000 ले लेते हैं, 15000 सैंपल ले ले लेते हैं, और वो एक एक देने सैंपल का रिजल्ट देने में उनको 3-3, 4-4 दिन लग जाते हैं। इसे नुकसान आप समझिए कि एक सीरियस मरीज, उसने आज सैंपल दिया, उसका रिजल्ट अगर 3 दिन बाद आएगा, 3 दिन के अंदर तो उस व्यक्ति की मौत भी हो सकती है, तो उनकी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। ऐसी लैब्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा सैंपल उठाते हैं और 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट नहीं देते। और सभी DMs को भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि किसी भी लैब को सैंपल देने के पहले देखें कि उनके पास कुछ पेंडिंग सैंपल्स तो नहीं पड़े हुए हैं। उन लैब्स को बिल्कुल सैंपल ना दिए जाएं जो 24 घंटे के अंदर अपनी रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। कुछ हॉस्पिटल्स देखने को मिले, हमारा एक ऐप है दिल्ली सरकार का, उस ऐप में आपको रियल टाइम बेसिस पे पता चलता है कि किस अस्पताल के अंदर कितने बेड भरे हुए हैं, कितने बेड कोरोना के खाली हैं, कितने ICU बेड हैं, कितने खाली हैं, कितने भरे हुए हैं, रियल टाइम बेसिस के ऊपर इस ऐप पे आप देख सकते हो। और ये ऐप हम नहीं चलाते, हर हॉस्पिटल को हमने पासवर्ड दिया हुआ है, वो हॉस्पिटल वाले खुद उसमें डेटा भरते हैं। तो जिस हॉस्पिटल ने अपने ऐप में, हमारे दिल्ली सरकार के ऐप में भरा हुआ है कि अभी मेरे पास 40 बेड खाली हैं, और कोई वहाँ जाता है और बेड मांगता है और अस्पताल मना कर देता है, तो ये इसके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि ऐप में दिखा रहे हैं कि बेड है, लेकिन अस्पताल बेड दे नहीं रहे, वहाँ जाते हैं तो कहते हैं बेड खाली नहीं है। ऐसे अस्पतालों के खिलाफ जो गलत जानकारी भर रहे हैं, जो फ़ोन पे ठीक जानकारी नहीं दे रहे हैं, और ऐप में होते हुए भी अगर वो मरीज को बेड नहीं देते हैं, ऐसे अस्पतालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कोरोना से निपटने के लिए हमें मजबूरी में ये वीकेंड कर्फ्यू लगाना पड़ा। चारों तरफ से खबर आ रही है कि लोग इसका अच्छे से पालन कर रहे हैं। अगले कुछ दिनों तक हम स्थिति पे नज़र रखे हुए हैं। अगर स्थिति और गंभीर होती है और अगर हमें जो भी कदम इसको कंट्रोल करने के लिए, आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे हम कदम उठाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज तक जैसे आपने मेरा साथ दिया हर कदम पे, जो भी कदम हमने उठाया आपने साथ दिया, आप इसी तरह से हमारा साथ देते रहेंगे। नमस्कार।